इंडिया में तो ऐसा मिलना बहुत ही रेयर था, एंड लाइक फाइनली जब सबको मिला है तो ऑब्वियसली करना चाहिए करके। देन आई टोल्ड माई मॉम डैड कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, दे वर लाइक दे स्टार्टेड लाफिंग एट माई फेस। टैटू आर्टिस्ट ऐसा कोई प्रोफेशन है क्या करके? हेलो एवरीवन, माई नेम इज़ विशाल गणेशन एंड आई एम फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई एम हियर टू लर्न टैटू। फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज लाइक सो अट्रैक्टेड टू आर्ट्स। पढ़ाई तो दिमाग में घुसता नहीं था, लेकिन ड्राइंग एक ऐसा चीज़ था जो हर वक्त मेरे साथ में था। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग माई स्कूलिंग आई वेंट टू कम्प्लीट माई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इट वॉज लाइक ना ड्रॉप आउट। देन आई वॉज वर्किंग समवेयर, देन डूइंग अनदर जॉब्स, दिस जॉब्स, ट्राइंग फिगरिंग आउट वॉट टू डू विथ माई लाइफ। अजीब सा हो गया था। देन आई वेंट फॉर स्कूबा डाइविंग। सो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम आईलैंड, सो एवरीवेयर इट्स सराउंडेड बाई वाटर। आई वॉज डाइविंग, देन अगेन समथिंग पॉप्ड इन माई लाइफ कि कुछ और अलग हटके करना चाहिए, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इन सम पॉइंट आई स्टार्टेड टैटूइंग ऑल्सो, लाइक विदाउट एनी वंस नॉलेज एंड नो गाइडेंस। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स, लाइक बैक इन 2017s एंड 18s, आई सॉ एलियन टैटू स्कूल आर्ट ऑन माई मोबाइल, लाइक ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक दैट। देन आई वॉज गोइंग थ्रू फॉलोइंग एवरी वन, स्पेशली सनी सर। वेन आई सॉ दैट टैटू ऑफ महाशिवा, आई वॉज सो सरप्राइज कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट, ऐसे भी टैटूज इंडिया में बन सकते हैं क्या करके। देन उसके बाद से मुझे टैटूज में और ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। देन वेन आई सॉ दिस एड ऑफ एलियन टैटू स्कूल, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अरे यार चलो कम से कम आर्टिस्ट को ऐसा एक प्लेटफॉर्म तो मिला है कि कहीं वो जाके सीख सके। इंडिया में तो ऐसा मिलना बहुत ही रेयर था, एंड लाइक फाइनली जब सबको मिला है तो ऑब्वियसली करना चाहिए करके। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे आई बिलोंग देयर, आई रियली आई डू बिलोंग देयर, कि मुझे टैटूज सीखना ही चाहिए करके। देन आई टोल्ड माई मॉम डैड कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, दे वर लाइक दे स्टार्टेड लाफिंग एट माई फेस। टैटू आर्टिस्ट ऐसा कोई प्रोफेशन है क्या करके? तो लाइक बहुत 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 मनाना पड़ा उन लोगों की, नहीं मुझे जाना है, मैं आई एम गुड एट ड्राॅइंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो लोग दे टुक लाइक 3 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दिस। विद इन दैट 3 ईयर्स आई जम्प्ड इनटू वाटर, आई बिकेम अ स्कूबा डाइवर इन मिडल ऑफ दैट। देन जब मैंने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद में मैंने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। कांटेक्ट फाइनली मुझे एक रिप्लाई आया वहाँ कि यस विशाल गणेशन, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ चलो कम से कम मुझे एलियन से रिप्लाई तो मिला। देन आई टोल्ड कि मुझे कोर्स करना है, टैटू आर्टिस्ट का कोर्स करना है, आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल। देन दे सजेस्टेड मी लाइक यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच और यू आर ऑलरेडी अ टैटू आर्टिस्ट। मुझे तो स्क्रैच से ही सीखना था सब कुछ, बिकॉज वंस आई स्टार्टेड डूइंग टैटू एंड लेफ्ट इन अ मंथ इट सेल्फ, बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग दैट गुड, उतना दैट ग्लिम्स यू से लाइक वो नहीं मिल रहा था उस पर। लेकिन व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट ऑफ शिवा एंड मेनी अदर थिंग्स, लाइक उस पर इतना ग्लिम्स है, वो एक एक्चुअल में मतलब इंडिया को जो चाहिए था वो मिल गया। आई थॉट कि स्कूल होगा, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे लेकिन कुछ गिने चुने तो ज़रूर होंगे कि जिनको टैटूज पसंद है वो आए होंगे। लेकिन व्हेन आई केम हियर एंड सॉ कि ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं यहाँ पे, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी लोग यहाँ पे है, एंड आई एम फ्रॉम अंडमान्स, तो पूरा इंडिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया सारे। इतना मज़ा आया कि पूरा 6 मंथ्स हमारा ये जो जर्नी था फ्रॉम सेप्टेम्बर टू फेब, इट वॉज़ लाइक कि एक स्कूल लाइफ भी हो गया है, एक प्रोफेशनल लेवल भी पहुंच गए हम लोग, एंड इतना कॉन्टैक्ट्स बना, इतने एंजॉय करे, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। लोग यही सोच के आते हैं कि हाँ मुझे टैटू स्कूल पे एडमिशन मिल गया, चल अभी तो टैटूज करना शुरू। लेकिन द फर्स्ट मंथ वॉज लाइक कि हाथ में पेंसिल एंड पेपर फ्रॉम द स्क्रैच, आई वॉन्टेड दैट, आई गॉट इट। मुझे यही सीखना था, मुझे ड्राॅइंग्स को भी अपना ज़्यादा बेटर करना था एंड टैटूज को भी। लोग थोड़ा कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं तो कुछ टाइम लो हो जाते हैं कि क्या यार मुझे अब तक कहीं पेंसिल और पेपर पे अटका के रखे है, कब मुझे टैटू मशीन मिलेगा। तो लाइक एंड आफ्टर दैट फाइनली वी गॉट द टैटू मशीन एंड स्किन पैड। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था तब कि हाँ चलो शुरू करते हैं करके। एंड जब अपने को स्किन पैड मिला, स्किन पैड में हम लोग प्रैक्टिस करते गए करते गए, इस इंतज़ार में कि कब अपने को रियल स्किन में करने को मिलेगा।
जब रियल स्किन की पारी आई तो फिर अब जैसे मैं यहाँ पे नर्वस हूँ वैसे ही वहाँ पे भी नर्वस था, मेरे सारे पसीने छूट रहे थे। लेकिन बैक इन 2016 व्हाट आई डिड एंड नाउ इन 2022 बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उस पर, पुराने वाले की फिनिशिंग और नए वाले की फिनिशिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल थिंग्स, मुझे तो बड़ा मज़ा आया फोटोशॉप सीखने के बाद। फोटोशॉप वॉज लाइक समथिंग एल्स, मैंने कभी कंप्यूटर के सामने बैठ के फोटोशॉप का वो लोगो भी ठीक से देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे कम से कम एटलीस्ट आई नो द बेसिक थिंग्स ऑफ फोटोशॉप नाउ, डिजाइनिंग एंड थिंग। लाइक विनेश सर, ही टॉट अस मैनी थिंग्स अबाउट फोटोशॉप, दिनेश सर ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट। अब वो टाइम आ गया है कि हमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। इंडियाज पे टैटू बन रहे थे, इंडिया पे इतने टैटू बने हैं कुछ सालों से, बहुत सालों से बन रहे हैं, लेकिन वो लेवल के नहीं बन रहे, क्यों? ओनली बिकॉज द कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं तो वो आउटपुट स्किन पे, वो आउटपुट अलग ही रहता है। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं था कि मैं कभी वो ऐसा फोटोशॉप करके भी कुछ डिज़ाइन बना सकूंगा, एंड फाइनली आई मेड सम। एंड ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं अगर बस उनको इंटरेस्ट होना चाहिए आर्ट्स पे। एंड आई एम ऑल्सो स्कूबा डाइवर एंड अ टैटू आर्टिस्ट नाउ। बचपन से यही था कि मुझे अंडमान से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जहाँ पे सबसे बढ़िया डाइव साइट है, तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे डाइविंग करना भी अच्छा लगता है एंड टैटूज बनाना भी अच्छा लगता है, तो आई हैव फ्रेंड्स हु डू बोथ द थिंग्स इन अ डे। लाइक देर आर मैनी स्कूबा डाइवर्स हु ऑल्सो डू टैटू आर्टिस्ट थिंग्स, दे मेक टैटूज, एंड इवन आई वॉन्ट टू बी अ सेम गाय बट बेटर वन, सो आई चूज एलियंस टू बिकम अ प्रो लेवल टैटू आर्टिस्ट। या आई थिंक आई फाइनली मेड इट।